नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र की एक फैक्ट्री के बाहर डकैती की योजना बना रहे बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सभी हथियारबंद बदमाश रुद्राक्ष पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने 6 बदमाशों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। शहर में बदमाश जितने ज्यादा सक्रिय हैं उससे कई ज्यादा पुलिस ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इसी के चलते बाणगंगा थाना पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि 2 बदमाश मौके से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। बाणगंगा पुलिस के अनुसार क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री में डकैती की योजना बना रहे थे बदमाश। सभी हथियारबंद थे, जिनके पास से पिस्टल, तलवार सहित धारदार हथियार बरामद हुए हैं। रुद्राक्ष पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की फिराक में थे। गनीमत रही पुलिस को सही समय पर मुखबिर से सूचना मिल गई और 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के नाम आकाश यादव, राकेश शर्मा, धर्मेंद्र जाटव, अंकित लाला, कुंवर सिंह और योगेश। वहीं पुलिस को चकमा देकर राहुल नाइट्रा और सचिन चीना फरार हो गए, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। थाना क्षेत्र में डकैती की योजना बनाते हुए कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कराए हैं, जिनके पास से कुछ हथियार भी बरामद। हाँ, ये दिनांक 22 जून 2022 को ये थाना बाणगंगा पे उपनिरीक्षक जगदीश मालवी को सूचना मिली थी कि ईश्वरालय जो फैक्ट्री है वहाँ पे कुछ 6-7 बदमाश इकट्ठे हुए हैं और ये MR4 रोड पे ही जो रुद्राक्ष पेट्रोल पंप है वहाँ पे रात्रि में डकैती डालने की योजना बना रहे हैं और हथियारबंद बदमाश हैं। उपनिरीक्षक जगदीश मालवी और मैं बल्कि रात्रि में वहाँ ईश्वरालय कंपनी में दबिश दी गई तो वो सुनसान फैक्ट्री में करीब 7-8 लोग थे, जिनकी बातों से ऐसा प्रतीत हुआ कि ये रुद्राक्ष पेट्रोल पंप पे हथियारबंद होकर डकैती की योजना बना रहे हैं। आरोपियों को पुलिस के द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया तो कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया मौके पर, जिसमें से 2 आरोपी थे वो फरार हो गए। जो गिरफ्तार आरोपी हैं उनके नाम हैं आकाश यादव और राकेश शर्मा, धर्मेंद्र जाटव, अंकित लाला, कुंवर सिंह, योगेश और इसमें राहुल नाइट्रा और सचिन चीना जो 2 बदमाश थे, ये दोनों बदमाश फरार हो गए हैं। जो आरोपी गिरफ्तार किए गए उनके पास से एक पिस्टल मिली है, उसमें जिंदा कारतूस है, साथ में अन्य हथियार जैसे खंजर, तलवार, छुरे आदि सामान भी जब्त किया गया है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्हें ये सूचना थी कि रुद्राक्ष पेट्रोल पंप पे रात्रि में काफ़ी नकदी एकत्रित हो जाती हैं और इसीलिए इन लोगों ने वहाँ डकैती डालने की योजना बनाई थी। आरोपी हथियार कहाँ से लाए थे इसके संबंध में उनसे पूछताछ की जा रही है और इनमें से ज़्यादातर पूर्व रिकॉर्डधारी आरोपी हैं, जिनके विरुद्ध अन्य प्रकरण भी पंजीबद्ध हैं और जांच में हैं। प्रकरण अभी कायम करके आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और उसमें अनुसंधान जारी है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके लिए।